दैनिक सवेरा देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए नकाबपोश दो आतंकियों ने नियंत्रण रेखा से सटे राजौरी जिले के डांगरी गांव में अंधाधुंध फायरिंग कर चार हिंदुओं की निर्ममता से हत्या कर दी। छह लोग इसमें घायल भी हो गए, जिनमें तीन लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। उन्हें एयरलिफ्ट कर जम्मू जीएमसी में भर्ती करवाया गया है। लश्कर ए तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तो वही सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश भी शुरू कर दी है। इस खास रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे इस हमले से जुड़ी पूरी दास्तान। शाम करीब 7 बजे एक घर में घुसे आतंकी, मुंह पर लाल मास्क पहनकर आए थे वारदात को अंजाम देने। सदस्यों के आधार कार्ड देखने के बाद शुरू की फायरिंग। शाम करीब 7 बजे आतंकी सबसे पहले एक घर में घुसे और सदस्यों के आधार कार्ड देखने के बाद उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद आतंकी एक एक कर आसपास के दो अन्य घरों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। इसमें 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें राजौरी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ 3 लोगों को आते ही मृत घोषित कर दिया गया। घायलों को कई गोलियां भी लगी थी। बाद में एक और घायल ने दम तोड़ दिया। 3 घायलों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जबकि 3 को जम्मू शिफ्ट कर दिया गया है। हमले में मारे गए मृतकों के परिजनों का ये कहना है कि 2 नकाबपोश आतंकियों ने मुंह पर लाल रंग का मास्क पहन रखा था। सबसे पहले उन्होंने आधार कार्ड देखे, पहचान होने के बाद उन्होंने पहले एक घर को निशाना बनाया और फिर आसपास के 2 और घरों की तरफ अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए वहां से फरार हो गए। घटना के विरोध में राजौरी अस्पताल में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि लगातार खतरे के बाद भी जिला प्रशासन ने विलेज डिफेंस ग्रुप के सदस्यों के हथियार वापस ले लिए हैं। उन्होंने मौके पर मौजूद अतिरिक्त जिलाधिकारी का घेराव भी किया और जिलाधिकारी को बुलाने की मांग पर लोग अड़े रहे। घटना के विरोध में सोमवार को राजौरी बंद का आह्वान भी किया गया है। जेके बतना है सीखना जरूरी है और सीखने लिए किसी चंगी चीज तो लेना पैंदा है सबक। दैनिक सवेरा तुहाडे लई लैके आ रहा है पंजाबी मीडिया का सब तो वखरा प्रोग्राम सबक।